आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, 2017-18 में प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त विद्यार्थियों का ये जो ऑनलाइन सम्मान समारोह है, मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज के इस ऑनलाइन सम्मान समारोह में हमारे बीच प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौबे जी तथा आवास एवं परिवहन मंत्री माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी जुड़ेंगे। अभी दोनों हमारे मंत्री महोदय जो हैं किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हैं, पर वहां से सूचना आई है कि वो लोग अपने अपने समय पर ऑनलाइन रूप से जुड़ेंगे और आप लोगों को आशीर्वचन देंगे। इस बीच हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय धनंजय देवांगन सर जो हैं वो हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। आप लोग चूंकि सभी मेधावी विद्यार्थी हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं धनंजय देवांगन सर, वे स्वयं एक प्रावीण्य सूची के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। और जो हमारे आज के अतिथिगण हैं, आप देखेंगे कि जो चारों अतिथि हैं वो चारों दुर्ग से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। माननीय रविंद्र चौबे जी जो हैं वो दुर्ग के साइंस कॉलेज से पढ़े हैं और यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और दुर्ग में बहुत लंबे समय से जो है वो जुड़े हुए हैं, उनका घर भी यहाँ है और इस वजह से रविंद्र चौबे जी दुर्ग को भली भांति जानते हैं। मोहम्मद अकबर जी जो है वे रायपुर के जरूर हैं परंतु दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इस नाते दुर्ग से उनका जो है वो बड़ा गहरा नाता है। हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री अरुण वोरा जी, वे दुर्ग शहर के विधायक हैं। सर इस समय दिल्ली की फ्लाइट में हैं और उनका मैसेज आया है कि जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे वो प्रयास करेंगे कि वहीं एयरपोर्ट से जुड़ जाएं और मेधावी छात्र छात्राओं को वो भी अपना आशीर्वाद देंगे। और हमारे जो सचिव धनंजय देवांगन सर हैं, हालांकि वो धमतरी के पास के रहने वाले हैं और अभी इस सब फिलहाल हमारे उच्च शिक्षा विभाग के शीर्षस्थ पद पे पदस्थ हैं, परंतु सर की जो स्कूलिंग है वो दुर्ग से हुई है, जेआरडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे जो चारों अतिथि हैं वो किसी न किसी रूप से दुर्ग से जुड़े हुए हैं और हम सभी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये अतिथि आज हमारे सत्र 2017-18 में जो मेधावी विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, अर्थात मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उनको विश्वविद्यालय आज ऑनलाइन रूप से सम्मानित करने जा रहा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया था कि इनका सम्मान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर हो, परंतु पेंडेमिक जो कोरोना-19 के कारण, कोविड-19 के कारण यह समारोह नहीं हो पाया और विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति ने यह तय किया कि चूंकि कार्यक्रम में काफी विलंब हो रहा है इसलिए हम लोग जो है वो हमारे मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान जल्दी से हम लोग करें, है ना। इसी तरीके से जो 2017-18 के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि जो मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 18-19 में भी जो प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है, उनका भी सम्मान समारोह पृथक से आयोजित होगा। माननीय कुलपति मैडम उसके लिए प्रयास कर रही हैं और बहुत जल्दी जो है वो भी प्रयास हमारा सफल होगा। इस तरीके से कोई भी प्रावीण्य सूची में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं वो सूचित हो जाएं कि विश्वविद्यालय जो भी प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा उनके सम्मान समारोह आयोजित करेगा। माननीय कुलपति मैडम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही हैं। हमारे बीच में जो हमारे कृषि मंत्री हैं माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, वो भी शीघ्र जुड़ने वाले हैं, वहां से संदेश प्राप्त हुआ है। और
हमारे मध्य हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा मैडम भी जुड़ी हुई हैं, जिनके प्रयासों से आज यह ऑनलाइन सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम लोग कोई भी जो प्रोग्राम है वो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी की जो आराधना है, अरपा पैरी के धार, जो हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है, हम उससे आरंभ करेंगे और उसके पश्चात जो है वो ऑनलाइन वर्चुअल रूप से दीप प्रज्वलन का भी कार्य होगा। तो सबसे पहले हम हमारे राज्य के गीत अरपा पैरी के धार से शुरुआत। आपने देखा कि छत्तीसगढ़ की महतारी की आराधना के पश्चात जो वर्चुअल हमारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ। हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रविंद्र चौबे जी,
जो छत्तीसगढ़ शासन के माननीय कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वे शीघ्र जुड़ रहे हैं। माननीय मोहम्मद अकबर जी जो हैं वो थोड़े समय के पश्चात हमारे बीच होंगे। हमारे माननीय उच्च शिक्षा सचिव जी जुड़ चुके हैं और अरुण वोरा जी जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं उन्होंने कहा है कि वे भी जो है वे ऑनलाइन रूप से शीघ्र जुड़ेंगे। मैं हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति, महाविद्यालय के विभिन्न प्राचार्यों, हमारे प्राध्यापकों, मेधावी छात्र छात्राओं तथा हमारे जितने भी प्राध्यापक साथी और जो गणमान्य अतिथिगण जुड़े हुए हैं उन सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष है कि माननीय कुलपति मैडम के प्रयासों से ये विश्वविद्यालय का जो 5 वर्षों का इतिहास है इसमें सर्वप्रथम पहली बार हम प्रावीण्य सूची के विद्यार्थियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। पहले यह हम लोगों ने प्रयास किया था कि दीक्षांत समारोह हो और दीक्षांत समारोह में एक साथ सभी को सम्मानित किया जाए, परंतु चूंकि पेंडेमिक अवधि थी और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को बुला पाना थोड़ा सा दुष्कर कार्य था, COVID-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना था, तो माननीय कुलपति मैडम ने यह तय किया कि हम 2017-18 और 18-19 इनके जो प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं इनको हम अलग अलग ग्रुप में बुला करके सम्मानित करें ताकि शासन के जो COVID-19 के प्रोटोकॉल के नियम हैं उनका हम अक्षरशः पालन कर सकें। और मैडम ने यह भी तय किया है कि जो प्रावीण्य सूची में लोगों को जो स्वर्ण पदक प्राप्त होता है इस स्वर्ण पदक का वितरण मैडम पूर्ण प्रयास कर रही हैं कि बहुत जल्दी माननीय हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्यपाल मैडम की उपस्थिति में दीक्षांत समारोह आयोजित करके उन्हें प्रावीण्य सूची के जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं उनको प्रदान किया जाएगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे विश्वविद्यालय में जैसे आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, मीडिया में देख रहे होंगे और वास्तविक रूप से भी जो हमारे विद्यार्थी, प्राध्यापक सब लोग हैं और हमारे अतिथिगणों को यह मैं बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ने इन 5 वर्षों में लगातार उन्नति के शिखर को छूने का प्रयास किया है और पेंडेमिक पीरियड में भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ये मंशा रही है कि कुछ ना कुछ रचनात्मक गतिविधियां आयोजित होती रहे और इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय कुलपति और माननीय कुल सचिव डॉक्टर सीएल देवांगन साहब को जाता है जो लगातार इस दिशा में रचनात्मक रूप से जुड़े रहे हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमारे विशेष आग्रह पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मंत्री माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी उपस्थित होने वाले हैं। आपके पास कृषि, संसदीय कार्य, बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज, आयकट, एनिमल हस्बेंड्री और जल संसाधन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों का वो निर्वहन कर रहे हैं। हमारे बीच आज कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे माननीय मंत्री जो कि बहुत ही कर्मठ और संवेदनशील मंत्री हैं, माननीय मोहम्मद अकबर जी जो हमारे दुर्ग के प्रभारी मंत्री भी हैं वो हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक दुर्ग शहर के श्री अरुण वोरा जी और उच्च शिक्षा को आपने महसूस किया होगा कि बहुत ही तेज गति प्रदान करने वाले हमारे माननीय सचिव श्री धनंजय देवांगन जी आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे विश्वविद्यालय के सरल और सहृदय कुल सचिव श्री सीएल देवांगन जी, विश्वविद्यालय का संपूर्ण परिवार, सभी महाविद्यालयों के सम्माननीय प्राचार्य और आज सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राएं और उनके सम्माननीय परिजन, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि ये जो
नवगठित विश्वविद्यालय है, इसमें इस तरह का सम्मान समारोह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और हमारे विश्वविद्यालय का जो सूत्र वाक्य है, रिते ज्ञानात् न मुक्ति, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, इसी को चरितार्थ करते हुए आज का ये कार्यक्रम हमने अपने टॉपर्स के लिए, अपने मेरिट सूची में स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आयोजित किया है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि ये कार्यक्रम हम अपने फाउंडेशन डे पर, अपने फाउंडेशन डे को यादगार बनाने के लिए 24 अप्रैल को हम ये आयोजित करने वाले थे, पर आप सब जानते हैं कि पैंडेमिक के कारण ये कार्यक्रम टलता चला गया। और आज हमें ये मौका मिला है कि हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सम्माननीय जन उपस्थित हैं, जिनकी उपस्थिति में आप लोगों को आज ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि दुर्ग विश्वविद्यालय ने जो पैंडेमिक की चुनौतियां हैं उनको संभावनाओं में बदलने का पूरा प्रयास किया है। ना हमारे पठन पाठन में किसी तरह की कमी आई है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सक्सेसफुल चल रही हैं। इस बीच में हमने टीचर्स का पूरा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया, अपने पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए पूरी क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाई, टीचर्स के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कराए, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स कराए। कुल मिलाकर हमने ये प्रयास किया है कि हमारा विश्वविद्यालय किसी भी तरह से करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से जुड़ा रहे इस पैंडेमिक पीरियड में। और इसी को, इसी श्रृंखला में हमने इसके पहले हमारे खिलाड़ी छात्र छात्राओं का सम्मान करवाया था। अभी कुछ 1 दिसंबर को ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारे जितने खिलाड़ी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय को नाम दिलवाया है पूरे भारतवर्ष में, उनका हमने सम्मान किया। और कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक किसान होता है, वो अपनी खेत की फसल काटता है और जब फसल काटता है तो जिस तरह का आनंद का अनुभव करता है, उसी आनंद का अनुभव आज हम विश्वविद्यालय यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे जब फलीभूत होकर टॉपर्स बनते हैं और बहुत दूर दूर जाकर अच्छे क्षेत्रों में नाम कमाते हैं, वहां पर जब वो बताते हैं कि वो दुर्ग विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जिस आनंद की अनुभूति एक किसान को अपनी फसल देखकर होती है, वही आनंद की अनुभूति आज पूरा विश्वविद्यालय परिवार महसूस कर रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम है जिसमें हम सम्मानित कर रहे हैं, और वो भी हम अपने प्रदेश के यशस्वी मंत्रियों के उपस्थिति में हम इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए, अपना समय देने के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय मोहम्मद अकबर जी को, माननीय रविंद्र चौबे जी को, माननीय अरुण वोरा जी को, हमारे जितने भी हमारे सचिव उच्च शिक्षा जो कि हमेशा हमारे आग्रह को एक बार में स्वीकार कर लेते हैं, माननीय धनंजय देवांगन जी को, अपने विश्वविद्यालय परिवार को, अपने सम्मानीय प्राचार्यों को, और इन सब से ऊपर उठकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को हम पुनः उनका आभार प्रकट करते हैं और उन्हें उनका अभिनंदन भी करते हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की ओर से। आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे DSW प्रशांत श्रीवास्तव जी को मैं माइक सौंप रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति मैडम। इस बीच मैं देख रहा हूँ कि हमारे आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जी, हमारे प्रदेश के आवास एवं परिवहन मंत्री, और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो सर के पास हैं, सर जुड़ चुके हैं। और छात्र राजनीति के समय से मुझे याद है जब अकबर भाई छात्र संघ के चुनाव लड़ा करते थे। नमस्कार, नमस्कार सर। रायपुर में अकबर भाई लड़ा करते थे, दुर्ग में रविंद्र चौबे जी छात्र संघ के अध्यक्ष थे दुर्ग साइंस कॉलेज के। तब से मैंने लगातार देखा है कि एक स्वस्थ राजनीति की परंपरा दोनों हमारे बड़े अग्रजों ने शुरुआत की है, और छात्र संघ के चुनाव में लोग बहुत सारे दूसरे दूसरे तरीके भी अपनाते थे, पर मैंने देखा अकबर भाई को भी और आदरणीय रविंद्र चौबे जी को भी, उन्होंने कभी भी कोई गलत चीजों को नहीं अपनाया। और मैंने देखा रायपुर में बहुत नजदीक से कि उन्होंने कहा कि मैं जीतूंगा तो जीतूंगा और हारूंगा तो हारूंगा,
मैं इस तरीके की कोई ऐसे गलत चीजें करकर और छात्र संघ चुनाव जीतने में विश्वास नहीं रखता। और मैंने देखा भारी वोट से अकबर भाई विजय हुए और सेम वही परंपरा जो है वो दुर्ग साइंस कॉलेज में रविंद्र चौबे जी के समय हुई। उन दिनों जो छात्र संघ का चुनाव होता था वो विधायक के चुनाव के बराबर होता था और जो बड़े कॉलेजों के जो छात्र संघ अध्यक्ष होते थे बहुत बड़ी उनकी दखल होती थी शहर में हर जगह। तो हमारे बीच आज इन दोनों माननीय रविंद्र चौबे जी जो हमारे आदरणीय कृषि मंत्री और माननीय मोहम्मद अकबर जी जो आवास और परिवहन मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा के उपकुल सचिव डॉक्टर भूपेंद्र कुलदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे जो मेधावी छात्र छात्राएं जिनको आज सम्मानित होने जा रहे हैं इनको हम प्रावीण्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रदान करेंगे। ये विद्यार्थी विश्वविद्यालय जब कभी इनकी सुविधा हो आकर के और BSW कार्यालय से अपना प्रावीण्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही सोमवार को इन सभी के खातों में जो विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार राशि है ₹5,000 प्रति छात्र ये इनके बैंक खातों में माननीय कुलपति मैडम के निर्देशानुसार जमा कर दी जाएगी। तो ये कौन से 33 इनकी संख्या है जो 2017-18 में प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर, इनके बारे में जानकारी देने के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुति हेतु मैं हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय के उपकुल सचिव परीक्षा श्री भूपेंद्र कुलदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे इनके संबंध में जानकारी दें। आदरणीय कुलदीप जी। आप सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले आप सभी को फिर से नमस्कार। मैं भूपेंद्र कुलदीप हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की ओर से माननीय अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का जो प्रथम बैच 2017-18 में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में निकला हुआ है उनके मेरिट में सर्वोच्च स्थान पाने के लिए उन्होंने जो मेहनत किया है उसकी उसके सम्मान के स्वरूप यहाँ से उनको अभी जैसा कि सर ने बताया प्रशांत श्रीवास्तव सर ने विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें प्रावीण्यता प्रमाण पत्र तथा ₹5,000 की पुरस्कार राशि उन्हें दी जा रही है। तो मैं उन 33 मेहनतकश बच्चों के नाम मैं बताना चाहता हूँ सम्माननीय अतिथिगणों को। पहली छात्रा है, आप सभी अपने जगह पे इनके लिए सम्मान से अप्रिशिएशन या ताली भी बजा सकते हैं। भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई की छात्रा कुमारी पूजा तिवारी ने MSc जूलॉजी में 75.12% अंक हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरी है भिलाई महिला महाविद्यालय की भिलाई की छात्रा कुमारी एकता पांडे, इन्होंने BSc कंप्यूटर साइंस में 79.11% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। फिर अगली है गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज पाटन की छात्रा है कुमारी त्रिवेणी, इन्होंने BA फाइनल ईयर में 70.88% हासिल करके हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। फिर अगली है सेठ रतन चंद सुराना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दुर्ग के छात्र हैं देवेश कुमार गजपाल, इन्होंने MCOM में 75.65% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है श्री शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी भिलाई की छात्रा कुमारी आकांक्षा पंडित, इन्होंने BCOM में 73.38% के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है।
अगली है समाधान कॉलेज बेमेतरा की छात्रा है कुमारी सिमरन छाबड़ा। इन्होंने बीसीए में 80.53% प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है छात्रा आनंदिता विश्वास, ये भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई की छात्रा है। इन्होंने बीएससी होम साइंस में 81.2% हासिल किया है। अगली है सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा भिलाई की छात्रा कुमारी दीक्षा। इन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स में 83.75% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई की कुमारी योगिता। इन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में 75.70% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है डॉक्टर फूलचंद बघेल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई तीन की छात्रा कुमारी अनीता शर्मा। इन्होंने एमए हिस्ट्री में 68.68% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है सेठ रतनचंद सुराना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दुर्ग की छात्रा कुमारी ट्विंकल साहू। इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस में 74.17% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई की छात्रा कुनु कंडा किशोरा। स्क्रीनशॉट लगाइए ना, तो फिर जल्दी से बता भी दे रहे। अगली है गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट कॉलेज पाटन की छात्रा कुमारी माधुरी। इन्होंने एमए सोशियोलॉजी में 72.80% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है गवर्नमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू पाटनकर गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग की छात्रा कुमारी पूर्वा शर्मा। एमए इकोनॉमिक्स में इन्होंने 75.35% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है सेठ रतनचंद सुराना लॉ कॉलेज की छात्रा रचना यादव। इन्होंने एलएलबी में 64.03% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है गवर्नमेंट जेनल पीजी कॉलेज डोंगरगढ़, इनकी छात्रा है कुमारी सिमरन कौर। इन्होंने एमएससी फिजिक्स में 76.45% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है गवर्नमेंट दानवीर तुलाराम कॉलेज उतई की छात्रा कुमारी रेणु। इन्होंने हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा भिलाई की छात्रा कुमारी वी प्रिया। इन्होंने एमएससी बॉटनी में 12% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया। अगली है कुमारी सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा की छात्रा कुमारी एमए इंग्लिश में 72.11% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन भिलाई की छात्रा कुमारी तबस्सुम सुलेमान। इन्होंने एमएड में 72.72% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगले है सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा भिलाई के छात्र मिस्टर आयुष अग्रवाल। इन्होंने बीबीए में 72.48% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगले है स्वामी श्री स्वरूपानंद कॉलेज हुडको भिलाई की छात्रा है कुमारी अदिति गुप्ता। इन्होंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 78.75% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है गवर्नमेंट कमला देवी राठी गर्ल्स कॉलेज राजनांदगांव की छात्रा कुमारी तनुजा। इन्होंने एमए जियोग्राफी में 75.45% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है स्वामी श्री स्वरूपानंद कॉलेज हुडको भिलाई की छात्रा कुमारी प्रिया तिवारी। इन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस में 79.81% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगले है सेठ रतनचंद सुराना आर्ट्स एंड कॉमर्स तुलेश साहू। इन्होंने बीपीएड में 75.42% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगले है सेंट थॉमस कॉलेज रुआ बांधा भिलाई के छात्र मिस्टर रजत बाला। इन्होंने बीएड में 68.08% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है गवर्नमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू पाटनकर गर्ल्स पीजी कॉलेज दुर्ग की छात्रा कुमारी सुमन कुशवाहा। इन्होंने एमएससी होम साइंस में
फूड एंड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसमें 77% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल फॉरेन लैंग्वेज दुर्ग की छात्रा कुमारी अंजुमन बानो, इन्होंने MSW में 71.75% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है गवर्नमेंट कमला देवी राठी गर्ल्स कॉलेज राजनांदगांव की छात्रा कुमारी सिमरन समरीन सिद्दीकी, इन्होंने MS साइकोलॉजी में 72.35% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है सेट RCS आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज दुर्ग की छात्रा कुमारी हिमानी साहू, इन्होंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 63.12% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है सेट RCS लॉ कॉलेज की छात्रा कुमारी अक्षरा प्रकाश, इन्होंने मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में सेकंड सेमेस्टर में सीनियर सेकंड सेमेस्टर में 65.4% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई की छात्रा आयशा अंजुम, इन्होंने MSc होम साइंस टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में 75.90% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। अगली है भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई की छात्रा कुमारी नेहा, इन्होंने MSc होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में 75.20% हासिल करके प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं इन सभी को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए माइक हमारे DSW श्री डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र कुलदीप सर। आपने देखा कि हमारे विश्वविद्यालय के 2017-18 के ये मेधावी छात्र छात्राएं हैं जिन्हें आज हमारे माननीय मंत्री महोदय द्वय पुरस्कृत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय श्री धनंजय देवांगन जी भी उपस्थित हैं। और जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि आज के हमारे चारों जो अतिथिगण हैं वो दुर्ग से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। माननीय अकबर जी, मोहम्मद अकबर जी हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं। माननीय रविंद्र चौबे जी की पूरी छात्र जीवन और सब कुछ यहीं दुर्ग से ही उनका बीता है। धनंजय देवांगन जी की स्कूल शिक्षा दुर्ग में हुई है और अरुण वोरा जी हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं। इस तरह से चारों हमारे जो सम्मानीय अतिथि हैं वो दुर्ग से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। मैं हमारे उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख आदरणीय धनंजय देवांगन सर को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे हमारे मेधावी छात्र छात्राओं को आशीर्वचन दें। आदरणीय धनंजय देवांगन सर। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा आयोजित सत्र 17-18 में प्रावीण्य सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह में अपनी गरिमामय वर्चुअल उपस्थिति देते हुए कार्यक्रम में आशीर्वचन प्रदान करने के लिए उपस्थित माननीय श्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री महोदय, माननीय श्री मोहम्मद अकबर छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री महोदय मेरे ख्याल से जुड़ गए होंगे, दुर्ग के विधायक माननीय श्री अरुण वोरा जी, विश्वविद्यालय की सम्माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, सम्मानित कुल सचिव डॉक्टर CL देवांगन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, सभी फैकल्टीज और वर्चुअल उपस्थिति के द्वारा जुड़े हुए सभी मेधावी छात्र छात्रागण, सर्वप्रथम मैं आप सभी को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने अथक प्रयास से प्रावीण्य सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया, बहुत बहुत आपको बधाई। दूसरी बात, मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपका उत्साह वर्धन करने के लिए, आपको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए
हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है। दूसरी बात, मैं विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूंगा और विद्यार्थियों को भी बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत ही प्रशंसनीय परंपरा उनके द्वारा स्थापित की जा रही है कि प्रावीण्य सूची में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस प्रकार सम्मान समारोह के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ही बधाई के पात्र हैं और भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रावीण्य विद्यार्थी जो हैं उनके भी आकांक्षा रहती है कि उनका भी रिकॉग्निशन हो, उन्हें भी किसी भी मंच के द्वारा सम्मानित किया जाए और विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानित किया, इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। शिक्षा की गाड़ी चार पहियों के ऊपर दौड़ती है। एक होता है बालक विद्यार्थी, दूसरा होता है पालक जो विद्यार्थी के माता पिता हैं, तीसरे होते हैं चालक अर्थात शिक्षक प्रोफेसर्स, और चौथा मालक अर्थात शासन प्रशासन। इसमें किंचित मैं कहना चाहूंगा कि जो मालक है शासन और प्रशासन, उनके द्वारा आपके हित में आपको आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। एक से एक योजनाएं हैं, एक से एक कार्यक्रम है। पैंडेमिक COVID-19 के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भी बहुत सारी कठिनाइयां हैं, इसके बावजूद शासन के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इस दृष्टिकोण से भी प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने भी इसका अवलोकन किया है। बीजापुर, सुकमा, पत्थलगांव, घरघोड़ा, इनके विद्यार्थियों से भी मैंने बातचीत की है। कनेक्टिविटी मिलने के लिए छत पे जाके कहीं पेड़ पे चढ़ के उनके द्वारा कनेक्टिविटी लेने का प्रयास किया गया। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा और विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब मैं तीन पहियों की बात करना चाहूंगा। प्रावीण्य छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके द्वारा तो निश्चित रूप से मेहनत की गई है, लेकिन जो बाकी हमारे जो छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके पहिए में हवा थोड़ी कम है। निश्चित रूप से और कठिन और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। दुनिया बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है। अगर हम अपने कदमों को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे, हम रेस में शामिल नहीं होंगे, तो हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। इसलिए मैं विद्यार्थीगण से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। तीसरा पहिया है, वो है पालक। मैं कुलपति महोदया से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो पालकों को भी सेंसिटाइज करें अलावा विद्यार्थियों के, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि पालक जो हैं वो अपना उत्तरदायित्व बहुत अच्छे ढंग से नहीं निभा रहे हैं। क्या कॉलेज में एडमिशन कराने या स्कूल में एडमिशन कराने के बाद वो ऐसा महसूस करते हैं कि अब तो सांचे में ढल के आभूषण के रूप में हमारा सोना निकलेगा, लेकिन पालकों को भी अपडेट होने की आवश्यकता है। बहुत
तेज गति से यह जो संसार है वो दौड़ रहा है, हमको पेश रखने के लिए निरंतर पालकों को भी अपडेट होने की आवश्यकता है। कम से कम ये तो पूछे डे टू डे अपने संतान से, अपने पाल्य से, कि आज किस प्रकार से उनकी पढ़ाई हुई, क्या कठिनाई है, उनकी क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से संसाधन में वो योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में उनके द्वारा योगदान किया जा सकता है। बहुत कम पालक, बहुत कम अभिभावक द्वारा इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से वहन किया जाता है, लेकिन इस पहिए में भी हवा ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से चारों पहिया में जब हवा ठीक रहेगी तो फर्राटे से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो एक बात मैं और विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहूंगा कि शासन के द्वारा आपकी समस्याओं के संदर्भ में बहुत ही गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारे मानव संसाधन कम थे तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही गंभीरता के साथ में प्रयास किया जा रहा है। निकट भविष्य में आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी है उनकी कमियां दूर हो जाएंगी। 1382 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। 595 जो प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो इस प्रकार से शासन के द्वारा बहुत गंभीरता के साथ में प्रयास किया जा रहा है। और मैं विद्यार्थियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हार्वर्ड में या कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड में या IITs में या IIM में आपकी पढ़ाई हो। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कितनी छोटी जगह से आए थे, वो कभी भी देश में किसी भी संस्थान से पढ़ाई नहीं किए, लेकिन उनकी उपलब्धि आप सभी गौर कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि स्वप्न देखिए, हर एक युवाओं को स्वप्न देखना चाहिए, क्योंकि स्वप्न नहीं देखेंगे तो उसको मूर्त रूप करने का विचार कैसे आएगा। इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, युवा दोस्तों से अनुरोध है कि वो स्वप्न देखें और उस स्वप्न को पूर्ण करने के लिए जुट जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा उसको ध्यान रखें, उठें, जागें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। आज आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मंत्री महोदय भी उपस्थित हैं। एक बार पुनः मैं सभी प्रावीण विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं सारे विद्यार्थियों को कि दुर्ग में एक छोटा सा मोहल्ला है तकिया पारा, वहां से मेरी प्राइमरी की परीक्षा हुई, प्राइमरी की शिक्षा हुई है, प्राथमिक शिक्षा मेरी दुर्ग तकिया पारा से हुई है। और जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है वहां से मैंने स्कूलिंग किया है। और बहुत अच्छा लगता है जब कभी भी आप प्रावीण्य सूची में आते हैं, तो मुझे बरबस आज स्मरण हो रहा है, जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मैं पूरे दुर्ग से टॉप किया था 8वीं कक्षा में, और रायपुर संभाग के जो मेरिट लिस्ट है उसमें मुझे 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इतना खुश हो गया था, और जो रिकॉग्निशन आज आप लोग प्राप्त कर रहे हैं उस समय नहीं मिलता था ऐसा कोई रिकॉग्निशन, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो जो कुलपति मैडम हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो बधाई के पात्र हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मंत्रीगण का कि उनके द्वारा उत्साह वर्धन के लिए, बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए, उनको प्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनी गरिमा में उपस्थिति दी जा रही है। एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव महोदय। आपने देखा होगा पिछले कार्यक्रमों में भी और आज भी सचिव महोदय ने बहुत ही सरल शब्दों में लेकिन बहुत गहरा संदेश दिया, चार पहियों का उदाहरण देते हुए स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। सर ने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि उन्हें किसी उपलब्धि के लिए 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी और वो जो खुशी थी वो 1 करोड़ रुपये के बराबर थी कि मुझे वो प्राप्त हुआ। तो आज भी जो हमारे छात्र छात्राएं सम्मानित हो रहे हैं उन्हें भी वही खुशी वही अनुभव महसूस हो रहा होगा जिसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अरुण वोरा जो हमारे दुर्ग शहर के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं। सर इस समय दिल्ली की फ्लाइट में है, आदरणीय मोतीलाल वोरा जी आए हुए थे तो उनको 7 बजे के वो दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा और मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं एयरपोर्ट से ही आप लोगों को संबोधित करूं, तो जब तक हम उनका वो फ्लाइट पहुंचती है और उनका इंतजार करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे अपने लोकप्रिय हमारे दुर्ग शहर के और मैं तो कहूंगा कि मेरे दुर्ग साइंस कॉलेज के आदरणीय रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं और एनिमल हस्बेंड्री और बहुत सारे विभाग आदरणीय रविंद्र चौबे जी के पास है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हमारे आदरणीय मंत्री जी, उनके साथ आप बैठिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बहुत नजदीक से माननीय चौबे जी के सानिध्य में बहुत सारी चीजें सीखी हैं और बड़े सरलता से इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने बड़े बड़े डिसीजन आदरणीय रविंद्र भैया लेते हैं। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे हमारे मेधावी छात्र छात्राओं हमारे प्राध्यापक हमारे प्राचार्यों सभी को संबोधित करें। आदरणीय रविंद्र चौबे जी। डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव माननीय मंत्री महोदय अभी ऑन द वे हैं और जुड़ने में 5-1 मिनट का समय लगेगा तो हम थोड़ा सा क्रम बदलते हुए माननीय मोहम्मद अकबर जी से को पहले आमंत्रित कर लेते हैं। जी। जैसा कि माननीय कुलपति मैडम ने बताया कि असल में आज रविंद्र चौबे जी धमधा के दौरे पे हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों में वे हैं तो वो शीघ्र हमसे जुड़ेंगे। इस बीच हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं और रायपुर शहर के लोकप्रिय मैं कहूँ छात्र नेता, अब तो खैर छात्र नेता भैया नहीं कहलाएंगे लेकिन अकबर भाई जो है वो रायपुर शहर में बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं और सबके बीच में उनकी जो सरलता है आप कभी भी मिलेंगे तो ऐसा लगता है कि हम अपने एक बड़े भाई से बात करें। कभी उन्होंने ये जाहिर नहीं किया कि मैं इतने बड़े मंत्री पद पर हूँ या मैं विधायक के चुनाव कई बार जीत चुका हूँ, पंडरिया से वो जीते और उसके बाद अन्य जगहों से जीते, और जब भी आप मिलेंगे तो बड़ा आत्मीयता का पन और छोटी छोटी वो छड़िकाएं हंसी मजाक और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बड़े भाई की तरह वो व्यवहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं तारीफ करूंगा हमारे अकबर भाई की स्मरण शक्ति, इतने सालों बाद भी जब किसी हमारे जो सहपाठी छात्र छात्राओं से मिलते हैं तो नाम से बुलाते हैं कह रहे फलाने तुम्हारा क्या हाल चाल, ये जो स्मरण शक्ति है वो अकबर भाई की तारीफ के काबिल है। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत ही सादर उनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारे छात्र छात्राओं को संबोधित करें। आदरणीय मोहम्मद अकबर जी। चालू करना है? चालू है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि तो भाई रविंद्र चौबे जी थे जो किसी कारण से नहीं आ पाए, विशिष्ट अतिथि में अरुण वोरा जी भी नहीं आ पाए, लेकिन इस समय इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित या ऑनलाइन से जुड़े हुए डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अरुणा पलटा जी जो विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, भूपेंद्र कुलदीप जी उप कुल सचिव, हमारे छत्तीसगढ़ शासन से सचिव उच्च शिक्षा श्री धनंजय देवांगन जी, डॉक्टर सी एल देवांगन कुल सचिव हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। आज का ये जो कार्यक्रम है प्रवीण्य सूची में जो वर्ष 2017-18 में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करना, जो जानकारी
अभी यहाँ पे आपने दी है और माननीय धनंजय देवांगन जी ने भी बहुत विस्तार पूर्वक अपने बातें रखी हैं। 33 छात्र छात्राओं का के बारे में आपने यहाँ पे जानकारी दी। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आदिकाल से अब तक सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज को दिया गया है तो वो है शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाना पड़े जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, ऐसी मान्यता लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। 33 छात्र छात्राओं में मैंने देखा कि अधिकांश इसमें छात्राएं हैं। ये कहा जाता है और जो सच भी है कि यदि बालक शिक्षित होता है तो सिर्फ बालक शिक्षित होता है, लेकिन यदि बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज जिस प्रकार से प्रमाण पत्र आज दिया जाएगा, आने वाले समय में इनको स्वर्ण पदक की भी प्राप्ति होगी, मेरा ऐसा मानना है कि अधिकांश उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अभी भी आम जनों को कठिनाई है। धीरे 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 इस देश में काफी विस्तार की स्थिति आई है, जहां तक मैं ऐसा समझता हूं कि एजुकेशन प्राप्ति के दौरान जिन छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उनको तो प्रसन्नता होती ही है, लेकिन उनसे ज्यादा सबसे अधिक प्रसन्नता यदि किसी को होती है तो उनके माता पिता को होती है। उनको लगता है कि एक अच्छा स्थान यदि उच्च शिक्षा में उनके बच्चे प्राप्त किए हैं तो आने वाले समय में उनका भविष्य भी उज्जवल होगा, इस प्रकार की सोच उनकी रहती है। माननीय धनंजय देवांगन जी ने शिक्षा के बारे में और राज्य से संबंधित, देश से संबंधित सारी बातों को बहुत विस्तार पूर्वक रखा है। मैं अपनी ओर से ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो भी जिनको भी प्रमाण पत्र आज दिया जा रहा है, आगे चल के गोल्ड मेडल से सम्मानित होंगे, उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आज वो गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, आने वाले समय में उनका करियर जो है वो भी बहुत उज्जवल रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। आपने देखा होगा अकबर भाई शुरू से बहुत कम बोलते हैं लेकिन बहुत गहरी बात बोलते हैं, और आज भी उन्होंने वही किया कि उनका भाषण बहुत संक्षिप्त था, पर उन्होंने कहा कि यदि बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं और वो फाइल में दस्तखत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उतने के बीच में भी जो विद्यार्थियों की संख्या 33 वो भी उन्होंने मार्क कर ली, और उनको स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा वो भी उन्होंने मार्क कर लिया, और सभी चीजों। तो आप देखिएगा कि जो प्रावीण्य सूची में जो स्थान प्राप्त किया हमारे विद्यार्थियों में, निश्चित रूप से उसमें से 29 जो थे वो छात्राएं हैं और 4 जो है वो हमारे जो विद्यार्थी थे। तो आदरणीय मंत्री जी ने उस बात को नोटिस किया, और ये उन्होंने कहा कि बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया, यदि हमारी छात्राओं को और नारी शिक्षा की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो पूरा समाज जो है वो हमारा आगे बढ़ेगा। आपको विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने अच्छे शब्दों में, और सबसे बड़ी बात कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने जो समय दिया, हम लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि आप जो है वो विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जुड़े, क्योंकि हमेशा आपकी रचनात्मक सोच हम लोग देखते हैं, और छात्र जीवन से मैं देखते आ रहा हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव बातों की ओर आपका ज्यादा रुझान रहता है। तो आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप विश्वविद्यालय के आगे के कार्यक्रमों में भी इसी प्रकार से अपना रचनात्मक सहयोग, उपस्थिति और आशीर्वचन हम सभी को देंगे। इसके लिए मैं आपको विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय वोरा जी अभी तक पहुंचे नहीं है, पीए का मैसेज आया है उनके कि अभी सर नहीं पहुंचे हैं। माननीय कुलपति मैडम से अनुरोध है कि रविंद्र चौबे जी की क्या स्थिति है मैडम, यदि आप बता सकें। बात हो गई है फोन पर और जुड़ रहे हैं वो फोन से। वो फोन से ही मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। जी, शायद हम एक दो मिनट और वेट कर सकते हैं सर के लिए। जी
इस बीच जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, मैं रेणु यादव जो हिंदी में जिन्होंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय भी मौजूद हैं, 2 मिनट आप अपनी बात रख सकें कि आज के सम्मान समारोह में आपको कैसी अनुभूति हो रही है। माननीय कुलपति मैडम जानना चाहते हैं। रेणु बोलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर वहाँ आप आते तो शायद और ज्यादा खुशी की अनुभूति होती। हाँ, पर वो पेंडेमिक पीरियड में चूंकि COVID-19 के उसका पालन करना है और स्वर्ण पदक समारोह आप लोग को भौतिक रूप से बुलाने का कुलपति मैडम प्रयास कर रही है। हाँ सर, बिल्कुल। हमारे साथ जो छात्र हैं जिन्होंने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है उनसे भी अनुरोध है कि उनमें से कोई एक बात रखें। आपको कैसे मैडम स्कोर में डाल दिया? हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं, हमारे सचिव जो छात्र हैं उनमें से कोई एक ये पढ़ाने जा रहे हैं। इन लोगों जो क्लास में टॉपर आया ना जो हेमचंद के, उन लोग का जो मिल रहा है छात्राओं में से कोई एक अपनी बात रखना चाहे। आनंदिता विश्वास, बुकिंग कब का? 7 तारीख का, थोड़ी 6 तारीख को। हाँ, दूसरे डॉक्टर को देखना है ना, डिपार्टमेंट वाइज। सुन, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए जी। सभी उपस्थित गणमान्य गण को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनिंदिता विश्वास, मैंने भिलाई महिला महाविद्यालय से बीएससी कंप्लीट किया है होम साइंस में। जब मैं एमएससी कर रही थी और हमारी जो माननीय कुलपति मैडम है उन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया था, तो सच कहूं तो मैं आशा ही छोड़ दी थी कि हमारी प्रावीण्य सूची कभी निकलेगी भी और हमें कभी पुरस्कृत हम कभी हो पाएंगे। पर मैडम मैं आप बहुत बहुत लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके प्रयासों से ही हम जो आज यह कार्यक्रम में है उपस्थित हो पाए हैं और आगे भी हमें जो गोल्ड मेडल है वो मिल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको आनंदिता, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। थैंक यू। सिमरन बोलो। सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, स्पेशली हमारी कुल मीट। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। आप बहुत बहुत धन्यवाद। कुलपति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लिस्ट बहुत ही देर से आई और आई इस बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है और आगे जैसे आप लोगों ने प्रयास किया है आगे भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब सुनकर देखकर हमें खुशी हो रही है कि हमारा सम्मान सारी चीजें हो रही हैं। तो मैम और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत यादव, प्रशांत यादव जी अपने आप को अनम्यूट करो और फिर अपनी बात रखें। आप लोगों में से जो भी अपनी बात रखना चाह रहा हो अपने आप को जब तक माननीय मैडम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आज का इस आयोजन करने के लिए। निश्चित ये बहुत ही स्पेशल दिन है और इसे और भी स्पेशल बनाने के लिए इस पैंडेमिक बहुत धन्यवाद। पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचार्यगण और प्राध्यापक गण भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्रद्धा चंद्राकर मैडम जो प्राचार्य हैं सुंदरदेई महाविद्यालय के, उनसे अनुरोध करूंगा कि ये विश्वविद्यालय के इस प्रयास पे मैडम अपनी बात रखें। डॉक्टर श्रद्धा चंद्राकर। अनम्यूट कर लीजिए। चंद्राकर मैडम
कल्याण महाविद्यालय से डॉक्टर आरपी अग्रवाल। अग्रवाल साहब अपने आप को अनम्यूट करिए और फिर बोलिए। डॉक्टर आरपी अग्रवाल सर हेलो, आज के कार्यक्रम में क्योंकि आप कल्याण महाविद्यालय से हैं आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आज के इस जो वैश्विक महामारी का समय है उसमें भी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से आज इस ऑनलाइन प्रतियोगिता, ऑनलाइन जो हमारा पुरस्कार वितरण है, सम्मान समारोह है, इसका जो आयोजन किया है माननीय कुलपति जी के मार्गदर्शन में और हमारे दो दो मंत्री इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उससे हमारे विद्यार्थियों का जो उत्साह वर्धन हो रहा है वह वास्तव में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो और भी उत्साहित होंगे और तत्परता के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई, और जो माननीय सचिव महोदय ने बात कही है कि चार आयाम इसके होते हैं, चतुर्भुज के समान होता है शिक्षा, उस पर हम लोग अमल कर पाएंगे। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने देखा जो प्रावीण्य सूची में छात्राएं स्थान प्राप्त किए हैं उनके शिक्षक जो प्रोफेसर है वो भी जुड़े हुए हैं, जैसे शासकीय महाविद्यालय उतरी की डॉक्टर रीता गुप्ता में जो है वो हिंदी में टॉप किया है और उसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। मैं रीता गुप्ता मैडम से अनुरोध करूंगा कि उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है वे संक्षेप में बोले। डॉक्टर रीता गुप्ता बता दो वहां पर। पहले मेरा सभी को प्रणाम, और निश्चित रूप से ये जो अनुभूति है उसको व्यक्त करना सचमुच बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब अपने बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो जो अनुभूति होती है, जैसा भी सर बोल रहे थे, पेरेंट्स भी अनुभव उसको, उस प्रसन्नता को महसूस करते हैं। मैं तो एक पेरेंट्स के रूप में भी कहूँ या अपने एक शिक्षक के रूप में कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैडम ने जो कोशिश की है, हमारी माननीय कुलपति महोदया ने, कि इस जो कहते हैं ना जीवन में जो चुनौती होती है ना, वो चुनौतियां तो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये जो चुनौती हमारे सामने आई कोरोना जैसी, इसने हमें शायद आगे बढ़ने की और नए रास्ते खोजने की प्रेरणा दी है, इसलिए आज ये वर्चुअल कार्यक्रम हो पाया और हम सब घर बैठे भी पूरा उस कार्यक्रम को अटेंड कर पाए, तो बहुत अच्छा लगा। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बोलने का श्रीवास्तव सर ने अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको बधाई कि आपके छात्रा ने सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं, शासकीय दानवीर तुकाराम महाविद्यालय उतई की छात्रा। और बात समरीन सिद्दीकी, समरीन सिद्दीकी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सबको और थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल इवेंट टुडे एज दिस कोरोना सेशन इज गोइंग ऑन एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी हमें शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें देखने को और करने को मिली है। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी टीचर्स। So I wish all the very best to everyone to success in the futures, and thank you so much sir for organizing such a wonderful event today. Thank you so much sir. Thank you so much Samreen. अभी कृषि मंत्री जी के यहाँ से संदेश आया है सर, चूंकि धंधा में है और नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो जुड़ नहीं पा रहे हैं उन्होंने, लेकिन सभी हमारे जो प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं सबको अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि आगे आने वाले किसी भी कार्यक्रम में मैं अवश्य जुड़ूंगा, स्वर्ण पदक वितरण समारोह 2018 में। धन्यवाद हमारे विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय सी एल देवांगन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा सत्र 2017-18 में प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं हेतु प्रावीण्यता प्रमाण पत्र
वितरण एवं सम्मान समारोह के इस गरिमा में मेरा नाम लिया था आपका उपस्थित सम्माननीय श्री रविंद्र चौबे जी सर बोलिए हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं एवं हमारे विभाग के सचिव श्री धनंजय जवांगन जी हमारे बीच उपस्थित हैं इस ऑनलाइन समारोह में। आप लोगों की प्रेरणादायक भोजन से हमारा गौरवान्वित महसूस कर रहा है एवं छात्रों का उत्साहवर्धन हुआ है एवं उनका मनोबल बढ़ा है। विश्वविद्यालय परिवार आप सभी अतिथियों के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। मैं हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मैडम के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिनके कुशल के कारण ही आज का समारोह सम्पन्न हो सका है अग्रसर हो रहा है। मैं सम्मानित महोदय को कहना चाहूंगा कि आपके शिक्षण निर्देश एवं कुलपति महोदय के मार्गदर्शन के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं लगातार मांगी जा रही है और जो पहले छात्रों का 15-20% रहती थी आज के कारण 40-60% की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। तो इसके लिए मैं सचिव महोदय का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे आज के समारोह के संचालक विश्वविद्यालय समस्त अधिकारी कर्मचारीगण महाविद्यालय प्राध्यापकगण छात्र छात्राओं जो इस समारोह में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग रहा उन सभी को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है कि जीवन में निरंतर सक्रिय रहें। जिस प्रकार अनुपयोगी लोहे में जंग लग जाता है एवं स्थिर पानी दूषित हो जाता है इसी प्रकार निष्क्रिय मस्तिष्क भी हमारी सोचे समझने की क्षमता को नष्ट कर देती है अर्थात सकारात्मक दिशा में नियंत्रण प्रयास करते रहें एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं है आप छात्रों के लिए छात्र छात्राओं के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलसचिव महोदय। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमारा आज का यह कार्यक्रम माननीय कुलपति मैडम की अनुमति से हम यही समाप्त करते हैं और चूंकि हमारे जो अतिथिगण हैं उनकी व्यस्तता थी और उसके कारण वो नहीं जुड़ पाए वर्चुअल रूप से, परंतु उनकी शुभकामनाएं उनका मार्गदर्शन हमेशा हम सभी के साथ रहेगा। और आप चूंकि सभी मेरिटोरियस विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं आपका यह दायित्व है क्योंकि आप दूसरे विद्यार्थियों से अलग हटके हैं कि आप अपने साथियों को अपने परिवार को और अपने सभी जो आसपास के लोग हैं उनको COVID-19 से जो बचने के तरीके हैं COVID-19 के जो प्रोटोकॉल है उनके पालन करने के लिए आप उन्हें जरूर से कहें। आप स्वयं भी उसका पालन करें। विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार की सभी की यह मंशा है कि हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ा कोई भी जो है वो COVID-19 से संक्रमित ना हो। आप सभी स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें और शासन के नियमों का हमेशा पालन करें। और जैसा आदरणीय सचिव महोदय ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। उन्होंने बताया कि 1385 सहायक प्राध्यापकों के पद पर हम भर्ती करने जा रहे हैं, 591 सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती जो है वो भी आयोजित करने जा रहे हैं और उच्च शिक्षा विभाग आपके लिए सदैव अथक प्रयास कर रहा है। तो ये हम सभी का दायित्व है कि हम उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों का कंधे से कंधा मिलाकर के स्वागत करें और जो शासन की मंशा है
उस मंशा के अनुरूप हम सभी कार्य करें। तो आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और COVID-19 की इस संकट की घड़ी में अपने आप को स्वस्थ रहें, बचा कर रखें। माननीय सचिव महोदय, माननीय कुलपति महोदय, इन सभी को मैं धन्यवाद देते हुए माननीय कुलपति मैडम की अनुमति से आज के कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।